तो गाइस मौसम देख लो कितना बढ़िया हो रहा है, मजा आ गया भाई। इतना अमेजिंग सा वेदर हो रहा है यार, ये तो पूरा बाहर घूमने वाला वेदर हो रहा है। पर क्या बताऊँ मैं, आज तो इतनी ज़्यादा परेशानी है ना जिंदगी, मतलब क्या जब दिन अच्छा होता है ना तब साथ हो ही नहीं होता। देखो क्या मस्त वेदर हो रहा है, मैं तो जा रही हूँ बाहर भाई, मैं ही ले आता हूँ, मैं ले आता हूँ खोया, क्या कहते हो? चलो मैं ले आता हूँ खोया, है ना, बढ़िया मौसम हो रहा है वैसे ही। चलो गाइस बाहर चलते हैं, खोया लेके आते हैं। और मैंने तो अभी वीडियो बनाना शुरू किया था तो मैं बोलने भूल गई। हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, और है ये सुहाना सफ़र और ये मौसम ऐसी, हमें डर है हम खो ना जाएं कहीं, तो अमेजिंग सा वेदर हो रहा है, काश बारिश हो जाए पर होली पे ना हो, बस बस बैलून ना पड़े मुझे। चलो बाहर चल रहे हैं। चलो भाई अब हम बाहर जा रहे हैं और मैं बताऊँ क्या लेने जा रहे हैं, अब हम लेने जा रहे हैं खोया, क्योंकि हमारे दूध वाले भैया इतने, देखो क्या मस्त लगता है भाई, बहुत मस्त लगता है। तो हमारे दूध वाले भैया हमें गोची दे गए और इतनी बार गोची दे गए, 3-4 दिन से गोची दे जा रहे हैं, लाएंगे ला नहीं रहे। एक्चुअली उनका खोया ना अच्छा होता है, एकदम होममेड होता है इसीलिए, तो पर अब वो ला तो रही नहीं है। तो चलो अब हम ही लेने चलते हैं, यहाँ पे एक पास में शॉप है वहाँ से लेंगे खोया। तो देखो गाइस मौसम इतना जेन्युइन हो रहा है ना, इतना बढ़िया लग रहा है ये व्यू, गेट्स बाहर और पूरा ऐसे बादल ऐसे दिख रहे हैं, कितना बढ़िया लग रहा है यार। आई विश ये जस्टिफाई कर पाता वीडियो में, वैसे थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं ऐसी बात नहीं है, पर हाँ बहुत बढ़िया लग रहा है। प्लेन भी जा रहे हैं तो मेरे को कैप्चर करने लगा, वो देखो पूरा प्लेन बहुत नीचे से जाते हैं यहाँ पे प्लेन। तो गाइस हम आ चुके हैं अब अपना खोया पनीर, एक्चुअली खोया लेने नॉट पनीर बट हाँ वो शॉप से। तो यहाँ पर ये सोसाइटी के अंदर ही है शायद शॉप, और शॉप का नाम है अग्रवाल हाइट, नहीं सोसाइटी का नाम है अग्रवाल हाइट्स। और देखो भाई होली खेलने लगे लोग, बढ़िया लग रहे थे, मज़ेदार होती है होली। तो यहाँ पर है वो शॉप और देखो यहाँ पे भी कितना अमेजिंग सा लग रहा है ये पूरा, देखो यहाँ से अगर यही वाला व्यू दिखाऊँ तो कितना बढ़िया लग रहा है। आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है यार। हम भैया की शॉप पर और अब हम अपना बस खोया लेने वाले थे, तो भैया के पास है खोया, कैसा दिया भैया? 440। ओके तो ये मतलब फ्रेश है या कैसे? नहीं वो तो नहीं ठीक है, मेरे को ना पता नहीं चलता क्योंकि मम्मी ने बोला है कि अगर अच्छा नहीं हुआ तो वो वापस कर देंगे। हम तो ये दुकान पे करते हैं, दुकान पे होममेड है, घर का बना हुआ है। तो ये एक्चुअली खोया ना थोड़ा लाल होता है, मतलब जैसे जो घर का होता है दूध को कर लो तो लाल ही नहीं है। अच्छा 440 रुपये किलो, तो वैसे चलो मैं पूछ लेती कितना लगेगा। तो भैया ने हमें परमिशन दे दी है अंदर आने की और आप देख सकते हो यहाँ पे, एक्चुअली भैया यहाँ पर ना मेरे अंकल शायद आपको जानते हैं। हाँ तो उन्होंने ये बताया था कि उनकी आपसे बातचीत है, तो आपको कैसे पता? वो दूध लेके जाते हैं, यहाँ बैठते हैं 2 घंटे डेली। हाँ तो यही, तो फिर उन्होंने बताया था कि यहाँ की सबसे बढ़िया शॉप है और सब कुछ ताज़ा पनीर वनीर सब बढ़िया मिलता है यहाँ पर, बिल्कुल घर का नेचुरल प्रोडक्ट। हाँ तो इसीलिए फिर मैं तो यूनियन से फिर मैं यहाँ पर आई, मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं। तो अभी क्या बन रही है यहाँ पे, बन रही देखो भाई समोसे भी, समोसे फ्रेश मिलेगा आपको सब कुछ, नमक वाले समोसे, ये पनीर गुजिया भी है इनके पास, और खोया अभी ये ताज़ा भिजवाएंगे सर हमारे घर पर, क्योंकि अभी निकला नहीं है तो ताज़ा भिजवाएंगे। और ये भैया है हमारे, तो ठीक है मेरा नंबर लिख लो फिर आप भिजवा। हाँ, खोया बनने में तो अभी लगेगा टाइम और इसलिए हमने ऑर्डर दे दिया, अब घर पे आ जाएगा। और यहाँ पे देखो बच्चा खेल रहे क्रिकेट, तो यहाँ पर ना आपको बहुत क्रिकेट नेट मिलेंगे क्योंकि जो हमारी यूपी गवर्नमेंट है वो ये क्रिकेट अकेडमी, मतलब ये यहाँ पे स्टेडियम बन रहा है ना हमारे राजनगर एक्सटेंशन में पास में, तो इसलिए क्रिकेट अकेडमी हर जगह शुरू कर रहे हैं और हर सोसाइटी में आपको ये क्रिकेट कोर्ट तो मिलेगा ही मिलेगा डेफिनेट, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट को आगे बढ़ाते हुए। बट देखो एक और चीज़ दिखाती हूँ, देखो भाई यार मतलब व्यू से नज़र नहीं हट रही आज तो मेरे,
शायद सोसाइटी है मे बी इनकी, तो ये बहुत अच्छा सा बनाया हुआ इन्होंने हट में। हमारी सोसाइटी का हट भी बहुत अच्छा है, मैं भी अपने पार्क में जाके बैठूंगी थोड़ी देर। तो यस, यहाँ पे भी पीछे व्यू बहुत अच्छा सा। अब चलो चलते हैं, खोया तो घर पे ही आएगा, कहते रहे हैं बहुत बड़ी होगा, देखते हैं कैसे होगा, चलते हैं। देखो भाई यहाँ पे ये बछड़ा खड़ा है और बहुत क्यूट है यार ये, पर मुझे डर लगता है इनके रिएक्शंस, कभी भी कुछ भी हो सकते हैं, सो इसलिए पीपल एक्चुअली एनिमल्स। सो या अब वापस आ गए अपनी सोसाइटी, ऑर्डर दे दिया हमने और नंबर भी ले आए हैं, अब ऑर्डर देना होगा तो फ़ोन पे दे देंगे बस। चलो देखते हैं कोई हमारे फ्रेंड्स मिलने तो। और वहाँ पर ना बड़े शैतान सोचे हैं जो ये मुझे बलून मारने की कोशिश कर रहे हैं और मैं इनसे बच रही हूँ, तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे मत मारो अभी वरना इनको खुद पड़ जाएंगे, पर ये मान नहीं रहे भाई। और ये बहुत सारे लोग हैं, ये 3-4 जने देखो, तो अरे मैं नहीं बना रही, तो फिर मैं बना ही नहीं रही, मैं नहीं डालूंगी, आप मत मारो मुझे, मैं नहीं मार बना तो रही ना। नहीं बना रही अब, आप मुझे मारोगे तो मैं बना दूंगी फिर। हाँ आप मुझे मारोगे तो मैं स्टार्ट करूंगी। देखो अब इन्होंने ऐसे करा हुआ है, सो दे हैव जस्ट स्टॉप्ड एट द मोमेंट। अच्छा देखो बच्चों, अब ये है एक बहुत ही पहले से ही होली खेलने वाला इंसान, भाग गया यहाँ से। एक बार दिखा दे, एक बार हेलो कर दे भाई, एक बार कर दे। अरे कुछ नहीं होगा, कोई डिस्क्लोज नहीं होगा भाई, कट दी, कुछ नहीं होगा। बेचारा शर्मा रहा है, वो दिखा नहीं रहा, इसको लग रहा है कि मैं इसको ऐसा डिस्क्लोज कर दूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं है। चलो हम तो अपना बस नीचे खोया लेने आएंगे, खेल रहे बच्चे अभी, चलो वापस घर चलते हैं। बताओ ये क्या बन रही है? ये बन रही है चाशनी। तो चाशनी इसलिए बन रही है कि हमने अपनी नमकीन वाली मिट्टी बना ली है, अब हम बनाने वाले हैं मीठी मिट्टी चाशनी में डूबी हुई, है ना, वही है ना। तू बन जा तू मेरी, तू बन जा बन जा तू मेरी, इश्के दी चाशनी, ओ मिट्टी मिट्टी चाशनी। तो फिर हमारी मिट्टी बन चुकी है और ये है फीकी मिट्टी, और अभी हम चाय के साथ खा रहे हैं, और साथ में हमने मिर्ची का अचार ले लिया अपना घर का बना हुआ मिर्ची का अचार। तो बस अभी ये खा रहे हैं और मैं आपको फिर दिखाऊंगी मीठी मट्टी कैसी बनी हमारी। तो देख लो गाइस, हो गई है मट्टी वाली, सॉरी चाशनी वाली मट्टी भी तैयार, और ये मीठी वाली मट्टी है, काफी गर्म है अभी तो मैं इसे टच नहीं कर रही। यस सो दिस इज ऑल्सो रेडी, एंड अब हमारे पास बहुत सारा खाने का सामान हो गया बहुत दिनों तक के लिए। तो गाइस आज का पूरा व्लॉग तो एक फूड व्लॉग बन चुका था, क्योंकि पहले खोया लेके आना, फिर मट्टी और नमक पारे और पता नहीं क्या क्या जो भी था, बट यही था। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही था। क्या कर रहे हैं ना, अभी थोड़ी होली चल रही है, मस्ती चल रही है, बलून मारे जा रहे हैं और मज़े आ रहे हैं, तो बस यही सब चल रहा है, तो मैं यही सब दिखा सकती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना मेरे चैनल पर, अगर नए आए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना, और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसे हिट कर देना ताकि नोटिफिकेशन आती रहे अगली वीडियो की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, गुड नाइट, लव यू।